Yo, what's up guys? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं Forza Horizon 5. Alright guys, welcome to Forza Horizon 5. तो ये जो कार आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना, ये है the Bugatti Devo, जो कि सच्ची में बहुत ज्यादा प्यारी कार है. और रिसेंटली मैं इस कार से ना एक रेस जीता हूँ. वेट, मैं थोड़ा सा ना इस गाड़ी को चलाता हुआ इस हाईवे पे आगे आ गया था, क्योंकि यहाँ पर ना बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है. और आज यार मौसम सच्ची में बहुत ज्यादा बढ़िया हो रहा है. ये यार मेरा ना ऑनेस्टली फेवरेट वेदर है रियल लाइफ में भी. बाकी ये देखो, जैसे भी मेरी कार ना वन पे है, मतलब प्रॉपर जो मैनुअल कार्स होती है ना रियल लाइफ में, कुछ ऐसी है. अब मैं रेस दे रहा हूँ, मेरी गाड़ी 37 पे अटक गई. यहाँ से मैंने गियर बढ़ाई, अब मेरी कार ऊपर जाएगी, फिर अटक गई. फिर जैसे जैसे गियर्स बढ़ाऊंगा वैसे वैसे कार की स्पीड बढ़ेगी. और मैंने ना प्रॉपर ड्रिफ्टिंग वगैरह भी सीख लिया स्टेयरिंग से. रियल लाइफ में नहीं आती, बट मुझे ऐसा लगता है अगर यहाँ सीख ली तो शायद मैं रियल लाइफ में भी ये कर पाऊंगा. बट यार रिस्की है, तो इसे थोड़ा तमीज में ट्राई करेंगे. लेट्स गो. ये क्या प्यारी ड्रिफ्ट मारी है भाई, लेट्स गो. कुछ इसी टाइप की भी ड्राइविंग मेरी हो चुकी है यहाँ पर स्टेयरिंग से. खैर ठीक है, अभी ना बहुत सारे रेसिंग टूर्नामेंट चल रहे हैं. बाकी ये ड्राइविंग तो फुल आ गई है, लेट्स गो. यहाँ पर ना देखो पीछे पीछे एक बंदा आ रहा है, वहाँ पे चलते. गाड़ी को रिवर्स पे डाला, ये खींचा पीछे मैंने, और ये दोबारा से आगे. आउट ऑफ कंट्रोल. यही डर रहता है इसमें कभी कभार. बाकी इसको चलाने का जो फील है ना, वो बहुत ज्यादा मस्त है. ओके, तो अभी ना फिलहाल मैं यहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर जाने वाला हूँ एक जगह पर ना, अपना रेस है. मतलब वहाँ पे बहुत सारे रेस होते रहते हैं. मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कौन सा रेस खेलना है. 1v1, 4v4, 10v10, दिन का रेस, रात का रेस, जो भी मेरे को खेलना है मैं वो खेल सकता हूँ. बट उससे पहले ना मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग अपनी रेस यूनिफॉर्म में और अपनी गाड़ी को भी थोड़ी सी ना रेस वाली फील दे दे. मैं चाह रहा हूँ ना इस कार को थोड़ा बहुत रेस कार वाली वाइब दी जाए. बाकी ये मैक्सिको सिटी है, और ये शायद से उसी सिटी का कोई प्यारा सा छोटा सा टाउन है जहाँ पर अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर आ चुका हूँ. यार इधर कितनी ज़्यादा शांति है, कोई भीड़ भाड़ ही नहीं है. हेलो, यहाँ कोई रहता भी है कि बस घर बने हुए हैं? पता नहीं है, मेरे को देखने में लग तो नहीं रहा यहाँ पर कोई रहता है. बट आज हमने पहले गेम वो रहते हैं लोग रहते हैं, क्योंकि गाने वगैरह चल रहे हैं. यहाँ पर मार्केट है, ये खड़े लोग. हेलो, तारीफ वारीफ कर दो भाई गाड़ी की. गाइस बंदे ना छतों से देखो तालियां बजा रहे हैं. ये अच्छी लगी ना गाड़ी, सही है. चलो हाँ, तो गाइस देखो अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि थोड़ी देर में ना शाम होने वाली है, तो एक काम करते हैं, अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं गैराज पे. वहाँ पे चल के इसे थोड़ा बहुत अपग्रेड करेंगे, मॉडिफाई करेंगे. अपनी गाड़ी को मैं यहाँ से मोड़ता हूँ. ओह भाई, आ तो गई है भाई गाड़ी चलाने. बाकी अगर मैं इस वाले एंगल में चलाऊंगा तो एक नेक्स्ट लेवल फील भी है, और प्लस और ज़्यादा रियलिस्टिक फील है, और डिफ़िकल्टी भी थोड़ी सी ज़्यादा है अगर मेरे को ड्रिफ्टिंग वगैरह करनी हो तो. बट यार ऐसा भी कुछ खास नहीं है, मैं अभी भी अपनी गाड़ी को एकदम ईजिली चला पा रहा हूँ, किसी को ओवरटेक भी कर पा रहा हूँ, टर्न्स आ रहे हैं उसको भी अच्छे से ले रहा हूँ. लेट्स गो, कुछ हार्ड नहीं है भाई. और ये देखो बगल में जा रही है हमारी महिंद्रा थार, मतलब ये बाहर के देश की थार है ना, जीप. लेट्स गो. तो अभी ना मैंने अपनी शायद से ज़्यादा ही तारीफ कर ली है, तो मेरी असली परफॉर्मेंस पता चलने वाली है कि रेस में. लेट्स गो, इसलिए ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, फटाफट से चलते हैं रेस करने के लिए. बट यार क्या करूँ, मन ही नहीं कर रहा है कहीं जाने का. बस इतने ज़्यादा प्यारे नज़ारे हैं, मन तो कर रहा है बस यहीं पर ऐसे गाड़ी चलाते रहो, फुल स्पीड में भगाओ, ड्रिफ्टे मारो. जैसे सामने कट आ रहा है, मैं इस कट को नहीं मिस करूँगा. छोटी सी ड्रिफ्ट थी बट ठीक थी, कुछ एक्सीडेंट भी नहीं हुआ और ड्रिफ्ट भी सही. वेल, तो अभी मैं अपनी गाड़ी को लेकर रेस ट्रैक पे भी आ चुका हूँ. और एक बार आप लोग इसकी लुक यहाँ पर आने के बाद देखो भाई, ये इंटू 5 times मल्टीप्लाई हो गई है. लेट्स गो, फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं फुल स्पीड में किसी नियर बाय रेस इवेंट में, और चल के वहाँ पर भी मचाते हैं. तो भाई ड्रिफ्ट के साथ शुरुआत, और आज भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सही हो रहा है. मैप्स का वे पॉइंट लगाते हैं और जल्दी से आराम से गियर डाउन करी, और अभी लगने वाली एक ड्रिफ्ट. बर्नआउट होने लग गया, ठीक है. और अगर मैं बात करूँ कंट्रोलिंग की, तो शायद मेरा हाथ अभी कंट्रोलिंग पे बहुत अच्छे से बैठ गया है, और हो सकता है इसके पीछे का रीज़न ये भी हो कि यहाँ पर अभी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है. कुछ नहीं हुआ, मस्ती में कैमरे में देखने के चक्कर में भी बैंड बज जाती. बट ठीक है, आराम से हमने अपनी गाड़ी यहाँ से निकाल ली है, और जो सामने दिखा रहा है ना डेस्टिनेशन 500 yards पे, वही है अपना मेन पॉल. ओ भाई, ये लैम्बोर्गिनी वाले बंदे गलत ही चलाते रहे थे यार, इनसे थोड़ा बहुत बच के रहना चाहिए. क्या ठीक है, अभी मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, फटाफट से हम लोग रेस को स्टार्ट करते हैं.
सोलो रेस, लेट्स गो गाइस। तो अभी मैं अपनी गाड़ी को रेस नंबर 1 में लेकर आ चुका हूँ। वेल, तो ये एक मास्टर 3 लैप्स रेस होने वाला है जिसमें हम सभी रेसर्स को इस ट्रैक पर टोटल 3 चक्कर लगाने हैं और जो सबसे ज्यादा आगे रहेगा वही इस रेस को जीतने वाला है। बाकी बहुत तगड़ा रास्ता है, बहुत अच्छी अच्छी कार्स आ रखी है। बट एक सेकेंड, हेलो, ये बात मैं कैसे बोल सकता हूँ कि इस टाइम पर मैं एक मैनुअल कार ड्राइव कर रहा हूँ। एक्चुअली गाइस, सीन क्या होता है ना कि जितनी भी कार्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली होती है उन सभी कार्स के अंदर बस हमें रेस टोटल जिससे स्पीड बढ़ती है उसको पुश करके रखना होता है और गाड़ी की स्पीड नॉन स्टॉप बढ़ते चले जाती है। बट मैनुअल कार्स में हमें थोड़ा सा सीन डिफरेंट होता है। जैसे हम लोग रेस टोटल पुश करते हैं गाड़ी एक पर्टिकुलर स्पीड पर आके रुक जाती है, देन हमें गियर अप करना होता है, फिर गाड़ी अपनी नेक्स्ट स्पीड पर पहुँचती है, फिर हमें गियर अप करना होता है। तो मैं वही गियर अप करना भूल गया और टोटल 12 प्लेयर्स का ये रेस है जिसमें से अभी अपना रैंक 12 चल रहा है। कितनी ज़्यादा अच्छी वाली बात है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 3 लैप का रेस है, हम लोग इजीली इन सभी लोगों को पीछे करने वाले हैं अगर कोई चेक पॉइंट मिस ना हो, कहीं पर अपना एक्सीडेंट ना हो। तो बाकी आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि जब गाड़ी 6th गियर तक जा सकती है तो सीधा गाड़ी को तो सीधा गाड़ी को 6th गियर पे क्यों नहीं ले जाते। तो उसके पीछे का रीज़न मेरे भाई यही है कि गाड़ी जितनी ज़्यादा हाई गियर पे रहेगी ना उसे टर्न करने में उतनी ही ज़्यादा डिफिकल्टी आने वाली है। मतलब हाई गियर पे जाती गाड़ी ना मुड़ना बहुत कम देती है, मतलब बहुत धीरे धीरे मुड़ती है, इसीलिए डाउन गियर पे चलाना मस्त रहता है। लेट्स गो, बहुत अच्छे से हमने गाड़ी को मोड़ा यहाँ पे, बट अभी भी पोजीशन 12th ही चल रही है। फाइनली मैंने लैम्बोर्गिनी वाले बंदे को ओवरटेक कर दिया और मेरी रैंक 12 हो चुकी है। बस ये अगर ओडी वाला बंदा भी मैं पीछे कर दूँ तो अपनी रैंक 10th हो जाएगी। बट यही मेरी एक कमजोरी यही है कि मैं इस कार से ना अच्छी ड्रिफ्ट नहीं मार पाता हूँ, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता हूँ। लेट्स गो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्यारा टर्न दिया है। भाई ऑडी वाला बंदा बहुत ज़्यादा आगे चला गया है, बट ठीक है, यहाँ से एक प्यारा सा टर्न दूंगा मैं। बस इतना बहुत है। लेट्स गो, गाड़ी राइड। ये बहुत सही एरिया, मैं अपनी गाड़ी को एटलीस्ट 5th गियर पे यहाँ पे ले जा सकता हूँ अगर कोई टर्न ना आए तो। डन, गाड़ी गई 5th पे और इसी के साथ ये ओवरटेक होने वाले हैं। ओके डन, अभी बस यहाँ से एक अच्छी टर्निंग देनी है। लेट्स गो, यहाँ से प्यारा वाला लेफ्ट मोड़ना है। 6th रैंक आ चुकी है और थोड़ा सा गेम पे फोकस करता हूँ। आई थिंक मैं फर्स्ट तो नहीं आ पाऊंगा बट एटलीस्ट 3rd या 2nd तो मैं आके रहूंगा। बट यार मुझे लग नहीं रहा क्योंकि सच्ची में ये लोग भाई पीछे होने का नाम नहीं ले रहे। मेरे को 6th गियर डाल देनी चाहिए या फिर 5th पे रहूं, क्योंकि अगर आगे अचानक से कोई शार्प कट आया ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ये था ना, अगर हल्की सी भी गड़बड़ हुई तो फिर 6th गियर पे आउट ऑफ कंट्रोल जाती है। मैं आ चुका हूँ 6th गियर पे, बट बहुत ज़्यादा ना संभाल के चलानी है क्योंकि गाड़ी में हल्की सी भी टर्निंग इस टाइम पे एक बहुत भारी नुकसान कर सकती है। मैं बहुत ज़्यादा प्यार से चलाने वाला हूँ अपनी गाड़ी को क्योंकि मैं फर्स्ट पोजीशन पे हूँ। 35% प्रोग्रेस यानी 36% का रास्ता हमने कंप्लीट कर दिया है। ये मेरे एकदम साथ साथ ही चल रहे हैं, बिल्कुल प्यार से मुझे यहाँ पर टर्निंग करनी है। एंड थोड़ा बहुत नहीं, गियर में डाउन नहीं करने वाला यार, गियर डाउन करने के चक्कर में एक्सीडेंट होगा। अभी जो कट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शानदार आ रहे हैं, तो चुपचाप आराम से टर्न करते हैं। ओके गाइस, तो इसी के साथ अपना रेस जो है कंप्लीट होने वाला है। एकदम मस्त तरीके से मैंने रेस एंड करा है। ओ भाई साहब, एंड होते होते अभी बैंड बजने वाली थी, बट फर्स्ट आए हैं हम लोग इस रेस में। बाकी आई होप आपको आज की वाली गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को जाके लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में जाके जरूर बताना।